प्रदेश के हरदोई में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला को युवक ने 50,000 रुपए में खरीदकर कमरे में बंधक बना रखा था। ग्रामीण की सूचना पर पुलिस ने महिला को मुक्त कराया और इस पूरे मामले में एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पीड़िता का डॉक्टरी प्रशिक्षण के बाद 164 के तहत बयान दर्ज कराया गया है। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस जांच में लगी हुई है। इस प्रकरण में अभी कई लोगों के नाम सामने आने की बात पुलिस कर रही है। इस सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए एसपी अमित कुमार ने बताया कि अरवल थाना के परचोली गांव में पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला व 1-7 माह का बच्चा, जिसको मित्रपाल अपने घर में बंधक बनाए हुए है, वह संदिग्ध है। सूचना के आधार पर पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच शुरू की तो पता चला कि एक महिला निवासी ग्राम इब्राहिमपुर जनपद कन्नौज की है, जिसको फतेहगढ़ के रूपपुर मंगलपुर निवासी मिठुलाल के माध्यम से मित्रपाल को 50,000 रुपए में बेचा है। इस मामले में पुलिस ने मित्रपाल, मिठुलाल व एक महिला को गिरफ्तार कर पीड़िता को बंधक मुक्त कराया है। एसपी का कहना है कि इस पूरे मामले में अभी और जांच पड़ताल की जा रही है। अभी कई लोगों के नाम आने सामने बाकी हैं और जिम्मेदारी तय होने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। एसपी ने इस पूरे मामले में अरवल पुलिस को 15,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा भी की है। हरदोई से संवाददाता शाहिद अली की रिपोर्ट। एक महिला पूजा और रूबी, जो कि कन्नौज की रहने वाली है, इसने एक मुस्लिम व्यक्ति अली मोहम्मद, जो आजमगढ़ का रहने वाला है, उसके साथ शादी की थी। शादी करने के बाद ये दिल्ली में दोनों रह रहे थे। बाद में किसी कारणवश पति लखनऊ आया और उसके पीछे महिला भी लखनऊ आई। बाद में दोनों बिछड़ गए। दोनों बिछड़ने के बाद कुछ व्यक्ति नहीं मिले जिन्होंने इसे ले जाके फर्रुखाबाद में रखा। वहाँ से एक मित्रपाल नाम के व्यक्ति, जो अरवल थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसको इन्होंने 50,000 रुपये में सौदा कर दिया। गाँव वालों की गोपनीय शिकायत पर इस पर सूचना करके लड़की को बरामद करके मेडिकल कराया जा रहा है और उसका 164 बयान कराया जाएगा। फिलहाल जो व्यक्ति सामने आए हैं प्रकाश में, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में अनैतिक व्यापार अधिनियम के अंतर्गत धाराएं बनती है, जिसके अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई कराई जा रही है। महिला को हम उसकी इच्छा अनुसार, अगर वो नारी निकेतन में रहेगी और आगे जहाँ भी इच्छा अनुसार जाना चाहेगी, जिसके साथ भी, उसके साथ भेजा जाएगा। अच्छा, कुल कितने लोग सर इसमें आए हैं पूरे सौदेबाजी में? अभी तक की दशा में 3 व्यक्ति गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बाकी कई और लोगों के नाम हैं जो पूरी जानकारी के बाद पता चलेगा, और जैसे जैसे जिसका जिसका इन्वॉल्वमेंट होगा, उसके खिलाफ वैसे वैसे विधिक कार्रवाई की जाएगी। ठीक, इस पूरे मामले में अरवल पुलिस ने काफ़ी अच्छा काम किया है, जिसमें इनको 15,000 रुपये पुरस्कार जनपदीय पुलिस की तरफ से दिया जाता है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।